हे गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब वीडियो। दिस इज अंकुर और आज हम बात करने वाले हैं TVS Ntorq के बारे में। ये स्कूटर मैंने लगभग 1 महीने पहले ख़रीदा था और अराउंड 700 किलोमीटर से इसे ड्राइव कर चुका हूँ। तो आज हम इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस स्कूटर के लुक्स की। तो TVS ने इस स्कूटर को काफ़ी स्पोर्टी बनाने की कोशिश की है और इसमें काफ़ी सारे ऐसे एलिमेंट्स ऐड किए हैं जो इसे काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके अलॉय व्हील्स के बारे में। तो इसके अलॉय व्हील्स बाकी स्कूटर्स के मुकाबले देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं और TVS ने इसमें 12 इंच के टायर दिए हैं, फ्रंट एंड रियर बोथ। और ग्राफिक्स जो हैं वो भी काफ़ी स्टाइलिश लुक्स देते हैं इस स्कूटर को। और छोटे छोटे काफ़ी सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि काफ़ी अच्छे लुक प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ये एल्यूमिनियम फुट रेस्ट एंड इसका एग्जॉस्ट जो है वो भी काफ़ी स्पोर्टी लगता है। और पीछे से आप इसे देखेंगे तो ये वेंट्स जो हैं ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट से इंस्पायर्ड हैं और ऊपर जो है वो LED टेल लाइट है। और साइड में आप देखेंगे तो ये यहाँ पे इन्होंने TVS रेसिंग की ब्रांडिंग दी है और जो फिनिश है इस प्लास्टिक की वो कार्बन फाइबर की है। और आगे आप देखना चाहेंगे तो इसमें जो उन्होंने 220 mm का पेटल डिज़ाइन वाला डिस्क ब्रेक दिया है। और जो इसकी सीट जो है वो भी काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी कंफर्टेबल है। और इसमें जो एक और बहुत अच्छे लुक्स देता है कि इन्होंने कलर के साथ जो कलर कॉम्बिनेशन बनाए हैं, मिडल में इन्होंने ग्लॉस पियानो फिनिश का ब्लैक प्लास्टिक के पार्ट्स लगाए हैं जो काफ़ी स्पोर्टी लुक्स देते हैं। और ये साइड पैनल भी जो है ये इसमें काफ़ी कंट्रास्ट प्रोवाइड कराते हैं। और सेम इन्होंने सीट के नीचे भी इसी टाइप के प्लास्टिक पैनल्स प्रोवाइड कराए हैं और जो इसको काफ़ी अच्छी लुक देते हैं। और ये इसका फ़ैन जो है इसका अंदर कलर भी रेड कलर दिया है जो इसके लुक्स एनहांस करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो अगर आपको इस स्कूटर के बारे में और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करूँगा। और गाइज, इस TVS ने इसमें काफ़ी फर्स्ट इन द सेगमेंट फीचर्स दिए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव मेरे को लगा ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है और आप इसे किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हैं। और ये इन्होंने TVS ने इसमें किल स्विच भी ऐड किया है जो आपको किसी नॉर्मल स्कूटी में देखने को नहीं मिलेगा। और जो इसके रियर व्यू मिरर्स हैं ये भी काफ़ी स्टाइलिश हैं, आई थिंक इन्होंने अपाचे से डायरेक्ट इसमें लगा दिए हैं। और ऊपर जो हैंडल बार्स हैं, हैंडल वेट्स हैं, ये भी काफ़ी स्टाइलिश लुक इसको देते हैं। और जो TVS ने इसकी ब्रांडिंग जो है वो भी 3D प्रिंट के साथ दी है और काफ़ी स्टाइलिश लगती है अलॉन्ग विद द रेड स्टिचिंग इन द सीट। और जो पीछे ग्रैब हैंडल्स हैं वो भी इसके काफ़ी स्टाइलिश हैं। एक और जो बहुत अच्छा फीचर है कि TVS ने इसका फ्यूल फिलिंग पोर्ट जो है वो सीट के अंदर ना देके इसके बाहर दिया है। और ये और भी अच्छा होता अगर इसे ओपन करने के लिए भी हमारे पास सीधा की के यहाँ से इसका कोई ऑप्शन दिया होता, बट इट इज़ स्टिल फाइन। तो चलिए इसका बूट स्पेस चेक करते हैं जो कि 22 लीटर्स है और उसके अंदर एक फुल फेस हेलमेट आराम से फिट हो सकता है। और एक और बहुत अच्छा फीचर्स TVS ने इसमें दिया है जो कि है ये LED लाइट और साथ में दिया है एक USB चार्जर जिससे आप अपना मोबाइल फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं। अब मैं आपको सुनाना चाहूँगा इसका एग्जॉस्ट नॉट जो कि काफ़ी स्पोर्टी है। एक और चीज़ मैं चाहता था TVS इसमें ऐड कर दे जो कि है आगे LED लाइट, बिकॉज होंडा ने अपनी सारी स्कूटर्स में हेडलाइट जो है वो LED से अपग्रेड कर दी है, बट TVS ने इसमें हैलोजन लैंप दिया होता है, बट आप उसे मार्केट से चेंज करा के LED इंस्टॉल करा सकते हैं, जैसे कि मैंने इसमें एक LED इंस्टॉल कर रखी है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको डाल दूँगा अगर आप चेक करना चाहें। और इस स्कूटी में जो TVS ने कई सारे मोड्स दिए हैं
जैसे स्पोर्ट्स मोड जिसमें आपको लैप टाइम वगैरह सब कुछ इसमें दिखाएगा। और अगर आप इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे कॉल्स एंड मैसेजेस और डायरेक्शंस के बारे में ये स्कूटर बताता रहेगा। इस स्कूटर का लैग स्पेस बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। लैंप है ये भी काफ़ी अच्छी लुक देती है, इसमें डे टाइम रनिंग LED इन्होंने इसमें प्रोवाइड की है और बहुत ही अच्छा इफेक्ट इसमें आता है। फुटरेस जो है उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, मेटालिक फिनिश में है और काफ़ी स्टर्डी और अच्छा लुक्स इसमें आता है। एक और चीज़ जो इस स्कूटी में मेरे को ज़्यादा अच्छी नहीं लगी कि कुछ पार्ट्स जो हैं इसके काफ़ी क्लमजी प्लास्टिक से बनाए हुए हैं। मे बी इसका कुछ और रीज़न भी हो सकता है कि कहीं बम्प्स वगैरह पे टूट ना जाए, बट इनकी जो क्वालिटी है वो मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं आई, जो इसका लोअर पोर्शन जो है उसमें जो इन्होंने प्लास्टिक यूज़ की है, बट मे बी इसका कोई और इंजीनियरिंग रीज़न भी हो सकता है। एक और चीज़ जो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये हुक्स के बारे में है। एक ये हुक इन्होंने फ्रंट में दिया है और एक इन्होंने ये सीट के नीचे दिया है, तो इसमें आप अपने ग्रॉसरी बैग्स वगैरह या कुछ भी आप इसमें लगा सकते हैं, और ये दोनों रिट्रैक्टेबल है तो आप इसे ऐसे बंद भी कर सकते हैं। और अब बात करते हैं इस स्कूटर के फ्यूल इकोनॉमी की, तो अभी फ़िलहाल इसकी सिर्फ फर्स्ट सर्विस हुई है और इसका एवरेज अभी तक तो बहुत ज़्यादा नहीं है। ये मेरे को 40 किलोमीटर्स पर लीटर के अराउंड एवरेज दे रही है, बट मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी सेम स्कूटर परचेज किया था तो उनका स्कूटर जो है 2-3 सर्विस बाद अराउंड 45 से 50 के बीच में इसका फ्यूल एवरेज निकल रहा है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको इस स्कूटर के सस्पेंशन के बारे में, जो TVS ने दिया है इसमें फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो काफ़ी कंफर्टेबल है, और पीछे इन्होंने दिया है सिंगल स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन एंड ये भी गैस फील्ड है तो आपको बहुत ही कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करता है। और जैसा कि आप देखेंगे कि TVS ने छोटी छोटी डिटेल्स प्रोवाइड किए हैं, जैसे इन्होंने इसके अलॉय व्हील्स पे भी एंड टॉर्क की टेपिंग दी है जो काफ़ी स्पोर्टी लगती है। So thank you guys, thank you for watching this video, hope you liked it.